हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने दो दिवसीय दौरे पर चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के भलई में पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भलई माता परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार प्रदेश में बेहतरीन विकास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को विकास नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि वह चंबा में मिंजर मेले के समापन के लिए आए थे और चंबा का मिंजर मेले की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी तारीफ की है। जाहिर सी बात है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता हमें आपस में जुड़े रखती है। हमने कई तरह की योजनाएं शुरू की है, लेकिन कांग्रेस को कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो सब बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस डूबी हुई है और वो अपने तक सीमित रहे तो अच्छा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने हर घर मुफ्त गैस कनेक्शन दिए और करीब 3,32,000 परिवारों को इसका लाभ मिला। कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो उसे भी बंद कर देंगे। हमने ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं को लाभ देने के लिए सहारा योजना चलाई, जिसके चलते हर महीने एक व्यक्ति को 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ऐसे में हमने 20,000 बीमारों को हर महीने 3,000 देने का फैसला किया और आज वो लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। कल से मैं चंबा के दौरे पर हूँ और पिछले कल मिंजर मेले का समापन था। समापन की रस्म हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि मिंजर मेले का आनंद लोगों ने इस बार 2 वर्षों के बाद लिया। कोविड के कारण 2 वर्षों तक मिंजर का मेला का आयोजन जिस तरह से होता उस तरह से नहीं हो पाया था, और अब की जब मिंजर का मेला हुआ तो मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सामने मिंजर के मेले की सांस्कृतिक झलकियाँ, मिंजर के मेले का इतिहास जो है वो सबके सामने रखा। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से, चंबा के सभी भाई बहनों की ओर से, कि उन्होंने हिमाचल के साथ किस तरह का एक भावनात्मक रिश्ता बना करके रखा है। अगर मेला भी होता है तो उसका भी जिक्र होता है, संस्कृति का भी जिक्र होता है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कल मिंजर के मेले के पश्चात हमने हिमाचल प्रदेश में एक नई शुरुआत की, क्योंकि हिमाचल के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए। तो एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में जो हमने तय किया है कि हम 75 कार्यक्रम हिमाचल के गठन के सभी विधानसभा क्षेत्र में करेंगे, और हिमाचल प्रदेश की विकास की यह यात्रा जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, योगदान रहा है, उनको इस श्रेय को देंगे जिनकी मेहनत से हिमाचल आज इस मुकाम पर पहुँचा। और उसकी शुरुआत हमने पिछले कल चंबा से किया। आज हमने दूसरे विधानसभा क्षेत्र भरमौर में जाना था उस कार्यक्रम को, मौसम के कारण वहाँ जाना संभव नहीं हो पाया, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारा चंबा के अंतर्गत कार्यक्रम हुआ, साहू में जाकर के हुआ, और साहू के बाद दूसरा कार्यक्रम हमारे कोठी में हुआ जो है यहाँ पर भलई माता के यहाँ पर हुआ, उसके बाद हम आज डलहौजी में जाने। मैं उस सर्वे का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर जो बताया है उससे हम आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य तो ये रहेगा, देखिए उनका तो डूबा पड़ा है और वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, पूरे देश भर में डूबा है और हिमाचल प्रदेश में तो डूबा ही डूबा है, और अब की बार जो है तो रही सही कसर है वो उसको भी लोग पूरा करेंगे।